मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में एक ऐसा मामला आया है जहां कृष्णा और करिश्मा ने ऐसा धमाल मचाया कि अब बवाल मच गया है। हुआ यूं कि कृष्णा और करिश्मा ने मिलकर सीमा को मुश्किल में डाल दिया, जिसके बाद पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर कृष्णा और करिश्मा के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। शिकायत के बावजूद उचित कार्रवाई न होने पर आज पीड़िता पुलिस की जनसुनवाई में पहुंची। पुलिस द्वारा महिला सुरक्षा के दावों की पोल खोलती ये खबर। दरअसल घटना 14 फरवरी यानी कि वैलेंटाइन डे की है, जब इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र की ओमेक सिटी में रहने वाली सीमा जायसवाल ने पुलिस की शिकायत कर बताया कि 14 फरवरी को एक दंपत्ति ने उसके साथ मारपीट की और उसके साथ अभद्रता भी की। सीमा की माने तो 14 फरवरी के दिन पहले कृष्णपाल चौहान और उसकी पत्नी करिश्मा ओमेक सिटी छोड़कर दूसरी जगह रहने चले गए थे और 14 फरवरी की रात वो पति कृष्णपाल और पत्नी करिश्मा उसकी बिल्डिंग में पहुंचे। इसके बाद दोनों ने उसके साथ जमकर मारपीट की। इतना ही नहीं, पीड़िता सीमा ने बताया कि कृष्णपाल को गलत तरीके से उसको छुआ, जिसके चलते वो आहत है। हालांकि घटना के बाद पीड़िता ने लसूड़िया पुलिस को शिकायत की थी, लेकिन पुलिस ने कोई मुकम्मल कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद आज वो जनसुनवाई में अपनी शिकायत लेकर पहुंची है। पीड़िता सीमा के अनुसार लसूड़िया पुलिस को उसने सीसीटीवी फुटेज भी मुहैया कराया, लेकिन पुलिस ने आरोपी पक्ष का ही साथ दिया। पीड़िता के मुताबिक वो अब पति और पत्नी पर सख्त कार्रवाई चाहती है। सर, मैं शिकायतें लेकर आई हूँ क्योंकि 14 फरवरी को मेरे साथ घटना घटित हुई थी। हस्बैंड वाइफ के थ्रू मेरे साथ में मारपीट की गई थी, उसके हस्बैंड द्वारा मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया गया था, जिसकी सूचना मैंने लसूड़िया थाने पे दी थी। तो जब सर मैंने जब कंप्लेन की थी तो वो लोग मेरी कंप्लेन भी नहीं लिख रहे थे उस टाइम पे। बहुत मुश्किल से 181 पे मैंने कॉल किया, इसके बाद तो कंप्लेन लिखी गई। जब मैंने उनको बताया कि सर मेरे साथ में गलत व्यवहार किया गया है, उसके हस्बैंड के थ्रू मुझे गलत जगह पर टचिंग किया गया, पकड़ा गया सर मुझे गलत तरीके से, तो वो लोग मेरी बात बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं थे, ना ही कैमरे की रिकॉर्डिंग लेने के लिए तैयार थे। उनका कहना था कि अभी आप FIR कर दीजिए, हम जैसे रिकॉर्डिंग लेंगे तो हम आगे कार्रवाई करेंगे। लेकिन सर इसके बावजूद भी रिकॉर्डिंग भी इन्होंने उनको मैंने प्रोवाइड करवाई है, वो लोग रिकॉर्डिंग तक लेने के लिए तैयार नहीं थे सर आने के लिए। जी पुलिस सारा आरोपी पार्टी को पक्ष जितने भी आरोपी थे उनके पक्ष में बयान दे रही थी सर। मैं इससे पहले भी यहाँ पे आ चुकी थी, जब मैं यहाँ पे आई इसके बाद जाके उन्होंने वहाँ पे आके बयान लिए। किसका पति है ये? ये करिश्मा चौहान है और उनके पति है कृष्णपाल चौहान। जो मैंने वीडियो अंदर मैडम को दिखाया है कि मैडम आप वीडियो देखिए कि वो मुझे किस तरह से टच कर रहा है, पकड़ रहा है, मुझसे झूमा झपटी कर रहा है। मेरा उनसे सिर्फ यही आग्रह था कि मैडम अगर कोई अदर व्यक्ति किसी एक कोई दूसरा व्यक्ति किसी और महिला को अगर इस तरह से पकड़ता है, टच करता है, तो उसके साथ क्या चीज़ होना चाहिए, कौन सी धारा इस पर लगनी चाहिए, कौन से सजा का वो हकदार है। तो इस पर जो मैंने अपनी FIR की कॉपी बताई इस पर वो सजा ही नहीं है, ना ही वो चीज़ धारा इस पर दर्शाई गई है। तो वही चीज़ मैं पहले भी लेकर आई थी और अभी भी मैंने मैडम को आगे वही आग्रह किया है कि मैडम आज मेरे पास में रिकॉर्डिंग है कैमरे पे, जो मैंने उनको प्रस्तुत की कि मैडम आप रिकॉर्डिंग देखिए, कोई भी दूसरा आदमी किसी अन्य महिला को अगर इस तरह से पकड़ता है, उसको कमर पे टच करता है, उसको आगे से पकड़ता है। कौन से थाने का मामला? ये लसूड़िया थाने का मामला है सर। कोई सुनवाई नहीं की गई थी सर वहाँ से। जब भी मैं उनको जो मेरे SIO जो मेरा केस देख रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ आरोपी के पक्ष में बयान दे रहे हैं। आरोपी का नाम है कृष्णपाल चौहान, ओमेक सिटी 1 में रहते थे, खाली करके चले गए थे 2 से 2:30 बजे करीब, और रात को 8 बजे वो लोग चक्कर काट रहे थे मेरी मल्टी के नीचे, सिर्फ मेरा इंतजार कर रहे थे कि मैं ऊपर से नीचे आऊं और वो मुझ पे हमला करें। वहीं इस मामले की जांच अधिकारी कलेर डामोर ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला धारा 65 बढ़ाकर कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच हर एक तथ्य को ध्यान में रखकर कर रही है। ये थाना लसूड़िया का मामला है और इसमें सीमा जायसवाल शिकायत लेके आई थी कि दोनों पति पत्नी ने उसको पकड़ के रखा है और पत्नी उसको मार रही थी, तो उसमें अपराध कायम हो गया है और जो वीडियो उसने आयोग को दिया है वो भी उसने धारा 65 का लगा के और रिपोर्ट भिजवा दिया है। आयोग से बात की है तो आयोग बता रहा है कि उसने मुझे वीडियो दिया है, उसकी मैंने कार्रवाई कर दी है, उसके पास में है आयोग के पास। कहना है कि पति ने उसके पकड़ रखा है इस तरीके से और धारा होने लगी है। आयोग से बातचीत करते बता रहे हैं कि हमने मतलब उचित कार्रवाई कर दी है। अब इस पूरे मामले में गौर करने वाली बात यह है कि इंदौर में कमिश्नर प्रणाली लागू है, बावजूद इसके घटना के महीने बाद तक कोई बड़ी कार्रवाई न होना महिला अपराधों को लेकर सवाल उठाने के लिए काफी है।